अनुशासन का शुरू से लेकर हिमायती रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी का अनुशासन है उसकी लक्ष्मण रेखा पार करने का किसी को अधिकार नहीं है। कि इस समय कोई ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए जिससे लगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के की जो कमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, या सरकार जो गलतियां करे उसके खिलाफ हम आपस में लड़ रहे हैं। इस समय एकता की जरूरत है। श्री कुलदीप सिंह राठौर जी बहुत ही सशक्त, बहुत ही समझदार, NSYS यहाँ तक उभरे हुए एक अध्यक्ष हैं, जिनको कि संगठनात्मक जो कार्य उनका पूरा नॉलेज है और सबको साथ चलने में सक्षम है। तो आज जब पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले राठौर जी के अध्यक्षता में निकाले हैं और भारतीय जनता पार्टी और जयराम सरकार भयभीत है और उनसे जवाब नहीं देते बनना, तो इस टाइम पे इस किस्म का ये तमाशा नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। मैं समझता लक्ष्मण रेखा को लांगने की बात है, बाकी हमारे वो सामान्य नेता है, वो जो कहेंगे पार्टी के फोरम के अंदर उसकी इज्जत की जाती है और की जाती रहेगी। उनकी सीधे हाईकमांड के साथ संबंध है, उनसे तो ऐसी उम्मीद की नहीं जा सकती। चीन के मुद्दे पर पूरी जो कांग्रेस पार्टी है गांव से लेकर के देश तक सोनी जी के नेतृत्व में सब देश के साथ है, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारत सरकार के साथ है और कोविड पर पूरे देश के साथ है और उसके बाद प्रदेश की सरकार के साथ है। हाँ, जहाँ बतौर एक बड़ी पार्टी होने के नाते से कांग्रेस पार्टी सोनिया जी, राहुल जी या हमारे कुलदीप राठौर जी या राजा वीरभद्र सिंह जी या अग्नोत्री जी कोई सुझाव प्रदेश सरकार भारत सरकार को ले, उनको रचनात्मक ढंग से लेना चाहिए और उसको उस पर उनको अमल करना चाहिए। ये काम ऐसे कि जिसमें सबका सहयोग होना चाहिए और ये सहयोग बोलने से नहीं होता है। ऐसे टाइम पे उन सब लीडरों से दिखावे के लिए आपस में सहयोग मांगना नहीं, रचनात्मक सहयोग देना चाहिए और लेना चाहिए। हम समझते कि COVID-19 में भी अगर पंचायत लेवल तक ठीक ढंग की कोऑर्डिनेशन की होती तो ये सारा काम और अच्छे ढंग से हो सकता था। अभी भी प्रशासन और जो जन नेताओं के बीच में ठीक ढंग से जो जैसा होना चाहिए था नहीं हो पाया प्रदेश स्तर तक, दिल्ली तक। और ये बहुत जरूरी है, अगर किसी भी विचारधारा किसी को जो एक्सपर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन के किसी दूसरे में, किसी विचारधारा के हो किसी पार्टी को, उनको विश्वास में लेकर कि ये काम करने चाहिए। अकेला चलने वाली बात नहीं है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर है चाहे स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल, अकेले के नहीं। मुझे अफसोस है कि आज की जो सरकार है दिल्ली और भारत पे वो अकेले चल रहे करने की कोशिश कर रहे हैं।